नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। भोजपुर आरा के शीश महल चौक पर आरजू खातून के तरफ से सैकड़ों लोगों को निस्वार्थ पानी पिलाया गया, साथ में बिस्किट, बतासा और पानी की बोतलें भी वितरण की गई। भोजपुर आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो पानी पिलाने की सुविधा दिया जा रहा है, घंटा घर आज कम तो पड़ा होगा, ये मुहिम किस तरीके का आप लोग चला रहे हैं? अभी इसका कोई नाम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा एक बात तो याद रखिए ज़िंदगी में कि आप इंसान हैं और तमाम लोग यहाँ सब इंसान हैं, और आप किसी के काम आ जाएँ किसी घड़ी, किसी क्षण में, किसी पल में, एक सेकंड के किसी काम आ पाते हैं तो आप महान पुरुष हो जाते हैं, ठीक है ना? आप इंसान आदमी तो होता है सब कुछ, तो आप इंसान कब होंगे जब आप किसी के काम आ जाएंगे? तो काम आना ही इंसानियत का तकाजा है ये। और इतनी भीषण गर्मी जो पड़ रही है, हज़ारों लोगों की मौतें जो ना बिहार के अंदर हुई है, आरा शहर में लगभग 4-5 दिनों का आंकड़ा जो बता रहा है मौतों का, लगभग 135 मौतें यहाँ पे हुई हैं, जो हिंदू मुसलमान सब उसमें मौजूद थे। ये सूरज किसी का नहीं था, ये गर्मी किसी की नहीं थी, किसी धर्म और जात की नहीं थी, देख एक गर्मी थी जो प्रकोप था उस ईश्वर का जो सब कोई भोग रहा है। इससे बड़ा कोई नो डाउट। तो देखिए, हम किसी की टिप्पणी बिल्कुल नहीं करेंगे। आप समाज का सेवा अगर कर रहे हैं तो आप करते रहें, आपका कर्तव्य है ये। आपने जन्म लिया है और आप किसी के काम आ रहे हैं, तो ये अपने आप एक मिसाल है कि आप किसी के काम आ जाए। आज सबसे बड़ा इंसानियत तो ये है, और एक शब्द है ना कि जल ही जीवन है, तो एक बूंद जो है ना अगर किसी के जान ला देती है आपके पानी से, और उसकी दुआएँ अगर उसकी मिल जाती हैं आपको, तो फिर दुनिया आपको नहीं रोकेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। तो ये अगर भीषण गर्मी जिस तरह से देखते हुए चलती रहेगी तो हमारा पानी का भी स्टॉल जो है ना चलता रहेगा। आरजू खातून की तरफ से ये पूरी सिस्टम की गई है, और तमाम यहाँ पे लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो करने वाले बच्चे हैं, जो इतनी गर्मी में ये खड़े हैं और ये समाज के लिए, ये अपने आप में ये भी लोग एक मिसाल हैं। और ये सिस्टम अगर बारिश हो जाती है तो नॉर्मल हो जाएगी, अगर नहीं होती तो ये स्टॉल ये चलते रहेंगे और पानी के जो है सिस्टम भी चलते रहेंगे। और यही नहीं, हर समय चाहे वो ठंडे का मौसम हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे ये प्रक्रिया हमेशा आपको मिलती रहेगी उनकी तरफ से, और देखते रहेंगे समाज की सेवा। एक शब्द कहेंगे हमारी बदनसीबी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।